गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माइनिंग में सभी से गुप्ता फ्रॉम भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर् और आज हम डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका सर्विंग वन और जिसमें हम सर्वेंग में हम चैनिंग डिस्कस कर रहे थे देन रेजिंग डिस्कस किए फिर देन हमने लीनियर मेजरमेंट डिस्कस किया डिफरेंट डिफरेंट दिफर सर्फिसिस पे जिसमें हमने स्मूथ सर्फिस और आपका स्मूथ सर्फिस या फिर लेवल सर्फिस पे हमने डिस्कस किया कैसे हम मेजरमेंट्स लेते हैं ठीक है आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि अगर स्लोप है अगर स्लोप सरफेस है स्लोपी सरफेस है इंक्लाइन सरफेस है देन उस हमको कैसे मेजरमेंट्स लेना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमको समझना है जिसमें हम इनडायरेक्ट uh, मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड में हम तीन टाइप के मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज मापन मेथड या फिर इसी को हम बोलते हैं स्लोप uh, uh, जो भी स्लोप होता उसको, method, method, है उसको ठीक है दूसरा आपका इसमें तलंतर मेथड दैट इज वर्टिकल डिफरेंस मेथड एंड थर्ड है अलाउंस मेथड हम बोलते हैं कर्ण प्रतिविधि कौन मापन मतलब ठीक है एंगल मेजरमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं मेजरमेंट्स लेते हैं ठीक है जिसमें हम पहला डिस्कस करने वाले कौन मापन विधि ठीक है कौन मापन विधि के लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं डेट इज क्लिनोमीटर एंड एबने लेवल में दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं हमारे जो भी हमारा ग्राउंड होता है ठीक है जो ग्राउंड कैसा होता है आपका कुछ अगर कोई इंक्लाइन ग्राउंड है तो हम क्या करते हैं इसका उस जो भी हमारा क्लिनोमीटर या फिर एबनी लेवल है उसकी मदद से हम क्या करते हैं ये जो ग्राउंड का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का क्या करते हैं जहां पे भी इंक्लीनेशन लगता है हम कुछ चेंज हो रहा है तो हम क्या करते हैं इंक्लीनेशन ऐसा डिटरमाइन कर लेते हैं जैसे कि यहां पे इंक्लीनेशन अगर चेंज होता है तो हम इसका इंक्लीनेशन डिटरमाइन करके हम एंगल कैसे हम लेंथ मेजरमेंट्स करते हैं कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर सकते हैं ये सीखेंगे आज के डेट में ठीक है स्टार्ट करते हैं कहाँ से आपका डायरेक्ट मेथड से ठीक ठीक से है तो methods, जब हम क्या हैं हैं हम कर कर रहे हैं, tape use कर रहे किसके किसके हमारे किस के हमारे slope के के ढाल हॉर्जो ठीक है तो उसमें हमको basically, जब हम, हमको हमको जब क्या करना करना है हमको ये horizontal distance determine करना है ये एग्जाम्पल के तौर पर समझो ये कोई हमारा हॉर्जोटल डिस्टेंस है ठीक है सॉरी ये कोई हमारा से इंक्लाइन सरफेस है That is point A, and point B. और हमको क्या करना है ये हमको इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम क्या करना है

ये एंगल बता दो या तो आप ये जो साइड है कौन सा साइड ये वाला साइड का आप लेंथ बता दो जो कि पॉसिबल नहीं है ये लेंथ तो बता पाना कि भाई ये लेंथ कितना होगा कैसे उसके लिए आपको गड्ढे खोदने पड़ जाएंगे तो हम क्या करते हैं ये जो आपका जो सरफेस है ये जो, जो, जो ग्राउंड का जो सरफेस है इंक्लाइन जो सरफेस है अगर हमको इसका एंगल पता चल जाए तो हम एंगल अगर हमको पता चल जाएगा और हम ये डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस मेजरमेंट्स करेंगे अगर हम ये नोट बता दें उसकी मदद मतलब से हम क्या कर सकते हैं हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस हम ये कर सकते से ये कैसे मेजरमेंट्स करना है ठीक है क्या बोल रहा है या फिर अब ये और दिखता है कैसे? सबसे पहले ये समझो अभी जो पिक्चर्स में आपको दिख रहा है ये है एक एबने लेवल ठीक है ये है क्या है एबने लेवल अब इसको यूज कैसे कर करते हैं ये समझो ये ये जो जो लेवल है ये वाला जो है वाला साइड होता इसको हम बोलते हैं जहां से हम देखते हैं ठीक है ये ये होता है आई पीस। और ये होता है है और आपका एक प्रोटेक्टर की तरह होता है ये भी ठीक है प्रोटेक्टर की तरह होता है और जैसे ही आप जिसको इसको जितना आप इंक्लाइन करते हुए जाओगे ये उतना मूव करते जाता है ऐसे ठीक है या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा वो आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है अब इसको यूज कैसे कर करते हैं ये समझो ये आप इसको आराम से हाथ में लेकर के यूज कर सकते हो इतना छोटा डिवाइस होता है ये अगर मान लो ये कोई मेरा कोई इंक्लाइन सरफेस है ऐसा ठीक है ये कोई इंक्लाइन सरफेस है और ये कोई बंदा है यहाँ पे ये क्या कर रहा है इस एबने लेवल को क्या कर रहा है लेकर के जा रहा है कहा लेके जा रहा है इस इंक्लाइन सरफेस का स्लोप निकालने के लिए तो कैसे निकालेगा बताओ यहाँ पे चढ़ेगा और मान लो यहाँ पे कोई पेड़ था अब वो क्या करता है इस एबने लेवल से मान लो ये आपका कोई एबने लेवल है ऐसा करके ठीक है इस एबने लेवल से इस पर्टिकुलर पेड़ को क्या करता है ऐसा साइड करता है कैसे साइड करता है कुछ ऐसा साइड करता है से साइड करता है इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट से साइड करता है ठीक है देखता है कैसे देखता है इंक्लाइन करके देखना पड़ेगा ना उसको ठीक है कुछ ऐसा इंक्लाइन करके देखेगा ठीक है कुछ ऐसे इंक्लाइन रहेगा उसका जो भी सिस्टम उसने यूज किया हुआ है ठीक है मैं बना देता हूं यहाँ पे ठीक है कैसे यूज करेगा इंक्लाइन करके यूज करेगा और जैसे इंक्लाइन यूज करेगा और यहां से उसको ये देखता है किसको साइड करता है इसको साइड करता है कितने ये और उसे क्या पता चल जाएगा इस सरफेस का जो भी स्लोप होगा ये हमको पता चल जाएगा कैसे पता चलेगा देखो यहाँ पे क्या होता है एक ग्रेजुएटेड होता है जो भी हमारा यहाँ पे ठीक है ऐसा ग्रेजुएटेड होता है और यहाँ पे क्या होता है एक पॉइंट point ऐसा पॉइंटर ऐसा लगा हुआ होता है जैसे जिसको अब इनकल करते जाओगे ये क्या करता है ऐसा मूव करते जाता है कैसा मूव करते जाता है ये कुछ ऐसा मूव करते हुए जाएगा और हम क्या कर सकते हैं इस वर्टिकल वाले डिस्ट ये हमारा 90 डिग्री है ठीक है 90 डिग्री है इसके और हम ये एंगल को क्या करते हैं यहाँ वाला एंगल को मेजरमेंट्स कर लेते हैं कौन सा एंगल को ये वाला जो एंगल होता है इसको हम हाँ मेजरमेंट्स कर लेते हैं और एंगल जैसे ही हमको यहाँ प, हमको यहाँ का पता चलता है ये वाला एंगल ठीक है कौन सा वाला ये वाला एंगल ठीक है ये एंगल ये एंगल हम क्या करते हैं नोट डाउन कर लेते हैं मान लो ये हमारा कुछ आया थीटा अगर ये थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं ये एंगल को आराम से बता सकते हैं बता सकते कि नहीं बता सकते बता सकते आराम से बता सकते हैं ठीक है कैसे बता सकते हैं देखो उसको समझो यहाँ पे ये हमारा कोई ऐसा ये है हमारा कुछ ऐसा ये हमारा 90 डिग्री है ना 90 डिग्री है और

90 होगा, obviously, 90 होगा, ठीक है? और अगर मैं क्या करूं यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लूं, ये अगर मैं कोई ऐसा horizontal distance ले लूं, ठीक है ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये जो ब्लू वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है वो सरफेस कौन सा है? ये वो ये वाला सरफेस है वो वाला सरफेस है और देखो ये हम एंगल आराम से बता सकते हैं अगर ये वाला ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है ये अगर 90 डिग्री है और ये अगर नाइन्स थीटा है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा थीटा होगा किसके इक्वल ये वाले के इक्वल होगा किसके इक्वल होगा एक सेकंड किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा ये थीटा के इक्वल होगा, होगा ये दोनों तो ये हम आराम से इसका एंगल मेजरमेंट्स कर सकते हैं अब हमने क्या किया एंगल हमने मेजरमेंट्स कर लिया किसकी मदद से इस एबनी लेवल की मदद से ठीक है ठीक है तो एंगल हमने मेजरमेंट्स कर लिया एंगल मेजरमेंट्स कर लिया तो जब कभी भी एंगल तो ये क्या होगा ये ए बी होगा ए बी ये ए बी ये वाला कितना आपका बी ये, ये और ये क्या है आपका ए तो हमको कौन सा निकालना है हमको ये ए बी डस निकालना है तो क्या मैं ए बी टू लिख सकता हूँ अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा एल है तो अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरा एल है अरे यार इसको क्या हुआ? अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरा एल है ठीक है एल है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एल थीटा हम लिख सकते हैं तो ये हमने क्या किया ए बी का हमने विद द हेल्प ऑफ हमने पहले कौन मेजरमेंट्स किया और कौन मेजरमेंट्स करने के बाद हमने क्या किया ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमने ये मेथड ये हमने डिस्टेंस को मेजरमेंट्स कर लिया ये तो था हमारा पहला मेथड पहला मेथड क्या था इज uh, हम स्लोप मेजरमेंट्स करें किसके यूज uh, करके लेवल या फिर क्लिनोमीटर अब ये तो था एबनो लेवल अब सेम एज इट इज इसी की तरह एक क्लिनोमीटर भी होता है जिसको आप घर में भी आप अपने से बना सकते हो अब क्लीनोमीटर दिखता कैसे ये समझो ये है देखो आपका एक क्लीनोमीटर क्या है आपका ये एक तरह का क्लिनोमीटर ये आपके घर में भी यूज कर सकते हो एक प्रोटेक्टर लो प्रोटेक्टर को क्या करो यहाँ से छेद करो और उसमें क्या करो एक प्लम्बा वैसा धागा या तो धागा बांध दो उसमें कुछ भारी सामान ऐसा करके लटका दो ठीक है ये क्या हो गया आपका नाइनटी डिग्री हो गया और क्या करो एक स्ट्रॉ लो पाइप लो छोटा सा टुकड़ा स्ट्रॉ जिसमें फ्रूट छोटा सा जिसके थ्रू आप देख सको ठीक है और इसको ऐसा कर करो इसको ऐसा ज्वाइन कर दो ठीक है इस स्ट्रॉ को किसके साथ आपके इस प्रोटेक्टर्स के साथ अब आपको जो भी जिस भी इंक्लाइन सरफेस पे क्या करना है ऐसा एंगल मेजरमेंट्स करना है है ना तो आप क्या कर सकते हो इसके थ्रू भी इसको मेजरमेंट्स कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर देखो अगर आपको इस पर्टिकुलर इस पॉइंट्स को साइट करना है ठीक है क्या करना है इस पर्टिकुलर इस पॉइंट्स को साइट करना है तो आप क्या करोगे इस डिवाइस को ऐसा inclined, इस यहां से आप क्या करोगे देखोगे क्या करोगे इस पॉइंट से ऐसा देखोगे इसको किसको इस पॉइंट्स को ठीक है या इस ऑब्जेक्ट्स को तो क्या होगा आप कुछ इस तरह से ऐसा देखोगे ठीक है और इस तरह से देखोगे तो इसको कुछ इंक्लाइन करना पड़ेगा तो ये कैसे मूव करेगा फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा है ना ऐसा तो फिर आप क्या कर सकते हो इसका ये वाला एंगल मेजरमेंट्स कर लोगे देन हम आराम से ये वाला भी एंगल आराम से मेजरमेंट्स कर सकते हैं जो कि इक्वल होगा किसके इस थीटा के तो इस तरह से हम क्लिनोमीटर को यूज़ करते हैं एंगल मेजरमेंट्स करके हम क्या यूज़ कर निकाल लेते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ देख लो आप इसको ठीक है तो ये कोई हमारा को क्लिनोमीटर है हम किसी स्लोपिंग सरफेस पे रखे हुए हैं इस तरह से आपका कोई क्लिनोमीटर रखा हुआ है छोटा होता है थोड़ा सा इतना बड़ा भी नहीं होता जितना मैंने बनाया हम क्या कर रहे हैं इसको यहाँ से ऐसा साइड कर रहे हैं ठीक है क्या कर रहे हैं ऐसा साइड कर रहे हैं इसको किसको देख रहे हैं हमारे इस पॉइंट्स को देख रहे हैं और जैसे हम पॉइंट्स मूव करते हैं ये हमारा क्या हो गया नाइन्टी डिग्री और ये क्या करता है ये जो हमने धागा बांधा हुआ है प्लबा बांध के रखा हुआ है कुछ ऐसा मूव करता है कितना मूव करता है थीट एंगल से मूव करता है विच इज इक्वल टू अट थीटा है ना सर्फेस निकल गया और जो ए बी डे हमको चाहिए था कौन सा वाला ये वाला जो लाइन का हमको डिस्टेंस चाहिए था वो निकल के आ गया कितने निकल क्या गया? A, B, थीटा के आ गया ए बी कॉस ठीक है तो ये था आपका पहला मैथड कोन मापन मैथड कोन मापन विधि मैथड ठीक है दूसरा देखो बेटा यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर या फिर हॉरिजॉन्टल डिफरेंस मैथड हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग कुछ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद मतलब से हम क्या करते हैं हम दोनों पॉइंट्स के कौन कौन से पॉइंट्स का जैसे कि ये कोई हमारा इंक्लाइन स्लोपिंग सरफेस है इसमें कोई ये हमारा ये कोई हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा कोई पॉइंट्स बी है ये इस पर्टिकुलर इस पॉइंट्स का हाइट और इस पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट दोनों का हाइट निकाल लेते हैं और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा जो भी डिफरेंस कितना है ये डिटरमाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है जैसे ये है, हमको ये जो डिफरेंस मिला अब हमको क्या चाहिए हमको ये पर्टिकुलर डी ये हमको ये डी डिटरमाइन करना है ठीक है क्या करना है डी डिटरमाइन करना है एच हमने डिटरमाइन कर लिया है ये डी हमको भी डिटरमाइनिंग करना है पता नहीं है ये एल की जो हमको लेंथ है हमको पता रहेगी कैसे पता रहेगी हम जब मेजरमेंट करेंगे ए से बी अलॉन्ग दी स्लोपिंग सरफेस तो ये हमको एल पता चल जाएगा एल पता चल गया एच पता चल गया और डी हमको डिटरमाइन करना है तो क्या हम निकाल सकते हैं हाँ निकाल सकते हैं कैसे समझो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आप पैथागोरा प्रमेय लगा सकते हो तो एल का स्क्वायर ये क्या हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर हो गया हाइपोटेनियस और ये माइनस क्या हो गया आपका वर्टिकल लम ठीक है लम या फिर लम का स्क्वायर बोल सकते हो इसको ठीक है तो अंडर रूट करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको ये डी मिल जाएगा कौन सा डिस्टेंस है ये ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है तो इस तरह से हम क्या करते हैं ये जो हमारा सेकंड मेथड है दैट तो इज वर्टिकल डिफरेंस मेथड हम इसको इस तरह से यूज करते हैं

यहाँ पे क्या आएगा आपका कर्ण बढ़ती विधि आएगा ठीक है कर्ण बढ़ती विधि आएगा क्या बोल रहे देखो इस मेथड में इस मेथड में जब हम स्लोप पे अलोंग द स्लोप हम जब डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं जब चेन से मेजरमेंट्स करते और हरे चैन के बाद हम क्या करते हैं एरो गाड़ते जाते हैं अब हाइपोटे अलाउंस मैथड में हम क्या करते हैं जो एरो हम एंड पे ना गाड़ के हम उसे थोड़ा दूरी आगे पे गाड़ते हैं ठीक है अब कितना आगे गाड़ते हैं वो जो डिस्टेंस होता है जितनी आगे हम गाड़ते हैं वही कहलाता है आपका हाइपोटेंस ठीक अब वो डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं देखो ये कोई हमारा कोई स्लोपिंग सरफेस है क्या है एक स्लोपिंग सरफेस है ठीक है ए से बी क्या है कोई स्लोपिंग सरफेस है और हमको क्या चाहिए हॉर्जेंटल डिस्टेंस चाहिए कौन सा डिस्टेंस चाहिए ये ए से लेकर के हमको ये सी तक का डिस्टेंस चाहिए ठीक है ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस ये हमारा हॉर्जेंटल डिस्टेंस होगा ठीक अब हमारे पास मान लो कोई आ, कोई चैन है एक हमारे पास एक मैट्रिक चैन है जिसकी लेंथ है आपकी बीस मीटर और हमने इस एक चैन को हमने जैसे ए से लेकर के यहाँ ए से मेजरमेंट्स करना स्टार्ट किया ये पर्टिकुलर कहीं ये बी बी डैश पे जा करके हमको एक चैन कंप्लीट हम यूज कर पाए जहां पे भी हमने यूज किया एक चैन हमारा कंप्लीट हुआ हम इसके थोड़ा आगे क्या करते हैं यहाँ पे एक एरो गाड़ देते हैं एरोगार्ड देते हैं ये जो डिस्टेंस होता है यही कहलाता है डिस्टेंस डिस्टेंस और हमको यही डिस्टेंस डिटरमाइन करनी कि ये कितनी होगी इसकी डिस्टेंस कुल मिला कि ये मेजरमेंट्स करना है ठीक है अब ये मेजरमेंट्स कैसे कर करते हैं ये आता कैसे डिस्टेंस ये मेजरमेंट ये समझते हैं हमारी एक चैन की लेंथ हमको कहाँ तक मिली ए से लेकर के ये बी डैश तक मिली और ये जो एक चैन की जो लेंथ है इसी को अगर मैं हॉरिजॉन्टली क्या करूं प्रोजेक्ट करूं हेल्प ऑफ आर चाप के थ्रू ठीक है पेपर्स में तो हमको जो एसी की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल मिलेगी बी डैश की मतलब कि क्या मैं लिख सकता हूं एसी डैस ए सी इज इक्वल टू वॉट बी डैश विच इज विच इज इक्वल टू वॉट वन चैन लेंथ है ना वन चैन लेंथ इक्वल होगा यही होगा ठीक है ठीक हमको क्या मिला ये सी पॉइंट्स मिला ठीक है सी पॉइंट्स मिला अब सी पॉइंट से रख के हम क्या करते हैं एक ऑफसेट मार्क करते हैं ऑफसेट हमने कैसे मार्क किया एक 90 डिग्री में मार्क किया मार्क किया ऐसे 90 डिग्री में ठीक है रफली रफली मार्क किया हमने और जैसे ही हमने इसको आगे तक प्रोजेक्ट किया तो हमको कुछ इस पॉइंट तक कहाँ तक इस ये जो बी पॉइंट मैंने दिखा रहा हूं यहां तक हमको वो पॉइंट्स आकर के मिला और ये जो b से लेकर के ये b b डेश का जो डिस्टेंस है ना यही क्या कहलाता है आपका हाइपोटेंशियल अलाउंस अब इसको निकालते कैसे है? ये जानते हैं ठीक है हमने ऑफसेट मार्क कर दिया है ना हमने ऑफसेट भी मार्क कर दिया और हमको ये पॉइंट्स भी मिल गया अब हमको इसको डिस्टेंस मेजरमेंट्स करना कैसे यहाँ तक a से b डेश तक का डिस्टेंस कितना था आपका 1 सें ठीक अब देखो ठीक है तो मैं यही लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं देखो ये जो हमारा हाइपोटेल अलावंस डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है आपके ये आपका इक्वल होता है आपके एसी ये जो एसी डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ या फिर आप इसको आप लिख सकते हो ए सी कॉस्टीटा एसी थीटा विच इज इक्वल टू वट ए सी से हम ऐसा लिख सकते हैं एसी सेक्टीटा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एसी सेक्टिटा यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ ए सी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए सी सेक थीटा ये कहाँ से आपके ट्रिग्नोमेट्री से आया था हम पढ़ते हैं वहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ये जो आपका कौन सा डिस्टेंस सॉरी ये जो ए बी डिस्टेंस है कौन सा डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के A से लेकर के ये जो B का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है आपका ए सी सेक थीटा के इक्वल है ठीक है किसके इक्वल है एसी सेटा की इक्वल है और हमारा ए सी कितना है? वाले में, अगर है तो हम उसको ए बी डिस्टेंस इज टू वेड से कौन सा डिस्टेंस मिल गया हमको हमको डिस्टेंस मिल गया ये वाला डिस्टेंस कौन सा वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस हमको मिल गया ये है क्या आपका

AB डिस्टेंस है आपका ए सी और, और आपका ए से लेकर है? है. है है. सकते हैं इस ए बी डैश में हम ए बी डैश को अगर माइनस करें तो हमको वो डिफरेंस मिल जाएगा और ये डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका हाइपोटे तो देखो यहां पे हमने डिटरमाइन किया हुआ है 100. 100 हंड्रेड ब्रैकेट में से माइनस वन लिंक ऑफ लिंक ठीक है, है. Link, तो है? In, in यही होगा और अगर इसी तो हमको क्या मिल गया हमको ये डिस्टेंस मिल गया कौन सा डिस्टेंस मिल गया हमको अलाउंस डिस्टेंस मिल गया और अगर हमको हॉर्जेंटली मेजरमेंट्स करना एक चैन डिस्टेंस को ठीक है पर उसको हम लिख सकते हैं चैन प्लस अलाउंस किसका स्लोपिंग ग्राउंड का तो उसको फिर से एक बार और देख लो इसका फॉर्मूला क्या निकल क्या है यहाँ पे देखो आप क्लियर यहाँ पे पिक्चर समझ में आ जाएगा

ठीक है, uh, है ना वो किसके इक्वल है आपका one chain plus ये allowance, ये ठीक है वाला इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक एरो थोड़ा आगे गाड़ रहे हैं जब हम एक एरो थोड़ा आगे गाड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है हमको हॉर्जेंटली वन चैन डिस्टेंस के बराबर हमको मिलता है ठीक है अगर आप इस चैन लेंथ जो भी आपने मेजरमेंट्स किया है उसमें आप क्या करोगे इस हाइपोटेनस अलाउेंस को अगर ऐड कर दोगे तो हमको जब भी हम टोटल डिस्टेंस हम मेजरमेंट्स करेंगे तो हमको क्या होगा जितनी भी हम स्लोपिंग मेजरमेंट्स करते जा रहे हैं तो हमको क्या होगा हमको एक्चुअल में जो भी डिस्टेंस मिलने का वो हमको मिल जाएगा ठीक है और हम आ, पूरे डिस्टेंस को भी कवर कर लेंगे साथ में हम एक्चुअल जो भी हॉर्जेंटल डिस्टेंस आ रहा है वो भी मेजरमेंट्स कर लेंगे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर देना मैं फिर से आपको समझा दूंगा इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा आ, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे इसको समझने के लिए ठीक है बट आप समझ जाओगे मेरे को पता है ठीक है तो ये तो था अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा करने पड़ती हुई मेथड पढ़े और उसके पहले हमने क्या पढ़ा वर्टिकल डिफरेंस मेथड पढ़ा और क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा क्लिनोमीटर एबने लेवल मेथड्स के थ्रू हम एंगल कैसे मेजरमेंट्स करते हैं और कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स करते हैं ये समझा ठीक है अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे एरर्स डिस्कस करेंगे कि जब हम हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो उसमें कौन कौन से टाइप के एरर आने के चांसेस होते हैं तो वो हम एरर को समझेंगे ठीक है जैसे कि एरर दो तरीके के हो सकते हैं एक तो पहला होता है अगर आप गलत टेन गलत चैन या गलत टेप यूज कर रहे हो तो वो गलत चैन और गलत टेप के कारण जो एरर आएगा वो और साथ ही साथ इन चैनिंग में अगर सही टेप भी अगर आप यूज़ कर रहे हो उसके बावजूद भी अगर आप कोई गड़बड़ी करते हो चाहे वो पर्सनल एरर हो चाहे वो कंपनसेटिंग एरर हो चाहे वो कैमोलेटिव एरर हो ट इज कॉल्ड एरर्स अब ये एरर्स को हमको बेसिकली डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे